दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं चोरी। चोरी अगर कोई व्यक्ति करता हुआ पकड़ा जाता है या चोरी करता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 379 में कितने साल की सजा होती है, अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों आज बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 379 चोरी। चोरी पर कितने साल की सजा हो सकती है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, अब चोरी बहुत तरह की चोरी हो सकती है, घर में घुसकर चोरी करना, किसी की बाहर लगी हुई वस्तुओं को चोरी करना, ये सारी चीजें आईपीसी के सेक्शन 378 के तहत आती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति बिना मर्जी के चोरी करता है 378 में आती है। लेकिन कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, मान लो उस व्यक्ति में यह होता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, उस व्यक्ति को यह लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी चोरी की और उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है 379 के तहत, तो उस व्यक्ति को अधिकतम एक अवधि से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है सेक्शन 379 के तहत। इसलिए दोस्तों कोई व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करता है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप ऐसा कृत्य करने से बचे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो बिल्कुल उन्हें एक अवधि से लेकर 3 साल तक की कठिन कारावास की सजा हो सकती है। ये गैर जमानती अपराध माना जाता है, इसमें किसी भी न्यायालय में चलाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक